लास्ट 30 डेज बचे हैं आरएमसी के एग्जाम के लिए, तो उन 30 डेज को देखते हुए एक सीरीज मैं आपके लिए लाया हूँ मैथ्स के ऊपर, जिसमें टॉपिक वाइज मैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको करवाने वाला हूँ, कुछ फॉर्मुलेस करवाऊंगा और उनका एप्लीकेशन, मतलब उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स आरएमसी के पेपर्स में आपसे पूछे गए हों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी 30 डेज की सीरीज को। सबसे पहला जो टॉपिक है यूनिटरी मेथड, विच इज़ वेरी इजी। यूनिटरी मेथड को मैं डायरेक्टली कंपैरिजन भी कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर बच्चों को कंपैरिजन करना आता है, अगर हमारे बच्चे सब्जियाँ दाल चावल लेने वाले बच्चे हैं, मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो घर में बैठते हैं, कुछ बच्चे हैं जो बाहर में घर का सामान खरीदते हैं, तो उनको ज़रूर एक कंपैरिजन आता होगा। ठीक है, अगर आपको इतना सा कंपैरिजन आता है कि अगर फाइव बुक्स का प्राइस है 80 रुपीज़, तो 10 बुक्स का प्राइस क्या होगा? 10 बुक्स का प्राइस, अगर बच्चों को इतना समझ में आता है कि सर 10 बुक्स का प्राइस 80 से ज़्यादा होगा, मोर, तो मेरा काम बन जाएगा। अगर बच्चों को ये समझ में आता है कि अगर 10 बुक्स का प्राइस अगर 200 रुपीज़ है सपोज, तो 6 बुक्स का प्राइस सर 200 से लेस होगा। अगर उनको ये कंपैरिजन आता है कि इतने में मोर होगा, इतने में लेस होगा, तो फिर हम लोग आराम से आज के उस क्वेश्चन को कर सकते हैं जो बेसिकली आपसे आरएमसी में पूछा गया है और रिसेंट सवाल है, ओलंपियाड बेस्ड जो पेपर था उस पे ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, जब भी कंपैरिजन में मोर आता है ना, द फॉर्मूला बिकम्स मोर बाय लेस इनटू इंडिविजुअल वैल्यू। आई भी लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। जब भी लेस आता है कंपैरिजन में, द फॉर्मूला बिकम्स लेस बाय मोर इनटू इंडिविजुअल वैल्यू। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए लेट्स डू वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। ये सवाल है जून 2023 में, ये सवाल आपसे पूछा गया है, पिछले साल का सवाल है। ठीक है, 3 diggers कैन डिग 3 pits इन 3 hours। ओके, कंपैरिजन आना चाहिए, ध्यान देना। 3 diggers कैन डिग 3 pits इन 3 hours। हाउ मेनी पिट्स, जो भी आपको कैलकुलेट करना होता है, हाउ मेनी पिट्स, उसको आप हमेशा राइट हैंड साइड में लेंगे। सो नंबर ऑफ पिट्स आई विल टेक टू द राइट हैंड साइड, लेफ्ट साइड में मैं नंबर ऑफ डिगर्स ले लेता हूँ। आई हैव टेकन नंबर ऑफ डिगर्स। ओके, फिर मैं ले लेता हूँ टाइम इन आवर्स, टाइम लिख लेता हूँ, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ नंबर ऑफ पिट्स, क्योंकि मुझसे वही पूछा गया है। ओके, नंबर ऑफ डिगर्स इन द फर्स्ट केस इज गिवन टू मी 3 diggers। कितना टाइम लिया उन्होंने? 3 hours। कितने पिट उन्होंने डिग गए? 3 pits। इन द सेम वे हाउ मेनी पिट्स इज आस्ट, लेकिन कितने डिगर्स हैं? 6 diggers है। ओके, हाउ मच टाइम? 5 hours। कितने पिट्स, ये बट आपको कैलकुलेट करना, दिस वट यू हैव टू कैलकुलेट। ओके, अब कंपैरिजन बेटा हम लोग करेंगे 1 by 1, ध्यान दीजिएगा, देर विल बी अ कंपैरिजन 1 by 1, वही लेस बाय मोर देखना हमें, पहले इसको इससे कंपेयर करो आप। 3 diggers टाइम को भूल जाओ, 3 diggers अगर 3 pits डिग कर रहे हैं, तो 6 diggers विल डिग मोर पिट्स। टाइम कुछ भी ले लो आप, ले लो कि सपोज 3 diggers 1 घंटे में 3 pits को डिग कर रहे हैं, तो 6 diggers 1 घंटे में मोर पिट्स को करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा मोर। जहां पर मोर आता है कंपैरिजन में, मैं एरो हटा रहा हूं, वहां पर फॉर्मूला बन जाता है मोर अपॉन लेस इनटू। अब मैं करूंगा टाइम का कंपैरिजन नंबर ऑफ पिट्स से, और मैं डिगर्स को देखूंगा भी नहीं। 3 hours 3 pits, सपोज मैं अपने आप को ले लेता हूं, मेरा एग्जांपल ले लीजिए, मैं अगर 3 hours में 3 pits डिग करता हूं, तो 5 hours में कितने पिट डिग करूंगा? डेफिनेटली मोर देन 3, तो यहां पर क्या जाएगा? अगेन मोर बाय लेस इनटू इंडिविजुअल वैल्यू इज हियर व्हाट? 3 pits। ओके, जस्ट पुट द वैल्यूज, मोर यहां पर कितना हो गया? 6/3 इंटू मोर बाय लेस, यहां पर कितना हो गया? 5/3 इंटू 3 pits। ओके, इंडिविजुअल वैल्यू की यूनिट जरूरी है, 3 से 3 कैंसिल, 3 2 जो 6, अल्टीमेटली यू आर गेटिंग 10 pits। ओके, तो कितना सिंपल ये सवाल था जो आपसे आरएमसी में पूछा गया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसी तरीके से कंसेप्चुअल वीडियोज में लेकर आ रहा हूँ, 30 डेज का ये प्रोग्राम है, और आई होप कि आप लोगों को ये जो हमारी सीरीज़ है ये ज़रूर पसंद आएगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको आज की सीरीज़ कैसी लगी। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू सून, जय हिंद।